नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज पर। दोस्तों, आज पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन जो कि राजस्थान GK से संबंधित है, राजस्थान की जनजातियों से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्विज। उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप वीडियो को जो पूरा पूरा जरूर देखें, और अपने जो आंसर, आपको जो भी आंसर वीडियो में इस क्वेश्चन के जो भी आंसर आए आप उसमें टाइप जरूर करें यहाँ पर। तो है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति या फिर गाडुलिया लोहार जनजाति? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भील जनजाति, मीणा जनजाति बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिम राजस्थान में निवास करती है? तो दोस्तों, जल्दी से आपका आंसर होना चाहिए। ए है जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है। गरासिया जनजाति है जो कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? तेजा मेला सीताबाड़ी वाला, या फिर तेजा मेला ब्यावर, या फिर तेजा मेला खरनाल? ये जो तेजा मेला है, ये तीन ऑप्शन है, इसमें से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा तेजा मेला। बिल्कुल करेक्ट आंसर तेजा मेला है, बट है कौन सा? सीताबाड़ी वाला, ये आपको ये जो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान मत्स्यावतार का रूप किस जाति को माना जाता है? भील, मीणा, या कंजर, या फिर डामोर? तो साथियों, आपको ये जो याद रखना है दो नंबर ऑप्शन जो कि बी है, और यहाँ पर मीणा जो है जाति वो अपने आप को किसका? भगवान मत्स्य अवतार का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऋषभ देव, जो कि कालाजी के नाम से जाने जाते हैं भील जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सहरिया जनजाति के गांव और इनका मुखिया कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सहराना पटेल, या फलाना पालकी, या फलान पटेल, या सिरोला सरदार? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, सहराना पटेल है जो आपके लिए करेक्ट आंसर है, और आपको ये जो याद रखना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में। दोस्तों, आपको यदि PDF की ज़रूरत पड़े तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक है जो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक है जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद आपको है जो PDF है जो हर रोज़ राजस्थान GK की, राजस्थान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी और मैथ सभी के जो आपको वहाँ पर PDF मिलती रहेगी, वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देवे। अच्छा, क्वेश्चन है आपके लिए, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? कंजर, कालबेल, या व्हील, या सांसी? तो आपको यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर है जो याद रखना है सी, भील जनजाति है जो कुल देवता को, टोटम को पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राज संघ का कार्यरत है? देखिए, समुचित लाभ दिलाने के लिए राज संघ कहाँ कार्यरत है? उदयपुर, जैसलमेर, कोटा, या पाली? तो यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन है करेक्ट ए, उदयपुर में है जो भीलों के लिए वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राज संघ है जो कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में? ये दोस्तों आपको याद रखना है भील जनजाति में, ये आपको याद होना चाहिए, यदि नहीं है तो अभी से याद कर ले। वह भील जनजाति है जो कि तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा है, और ये कहाँ है? विवाह के बाद होती है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? समस्त गांव का मुखिया गैलाती कहलाता है, गमेती कहलाता है। दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, भील, मीणा, बी और सी, गरासिया, और डी ऑप्शन है डामोर। तो यहां पर है जो आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बताएं, ए ऑप्शन है जो आपका सही ऑप्शन है, भील जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठियां सोहरी कहलाती है?
अन्न भंडार की कोठिया क्या कहलाती है? सोहरी कहलाती है। गरासिया जनजाति की सहरिया की या भील की या फिर डामोर की? तो यहाँ पर है जो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। और यहाँ पर है जो किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठिया सोहरी कहलाती है? तो गरासिया जनजाति की अन्न की भंडार की कोठिया है जो सोहरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, इनमें से कौन गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है? चौहान, देवड़ा, बंधेल या सुवासिया? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर डी, सुवासिया जनजाति है। जनजाति का ये गोत्र नहीं है, सहरिया जनजाति का जो गोत्र है सुवासिया ये नहीं है, बांदेल है, देवड़ा है, चौहान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया वनवासी जनजाति का निवासी स्थान है? सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या बाहरा? तो दोस्तों यहाँ पर है जो आपका करेक्ट आंसर होगा, बारा जिला है जो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सहरिया वनवासी है जो ज़्यादातर निवास है जो बारा जिले में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर डूंगर? जल्दी से जवाब देवे, आपका भी आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या होगा, उदयपुर। ठीक है, याद रखना आपको उदयपुर ऑप्शन है जो यहाँ पर सही ऑप्शन है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर बेझिझक आंसर दे दीजिएगा, बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। भीलों के घर को टापरा या फिर कू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में भीलों का बाहुल्य है? प्रतापगढ़ तहसील में ही भीलों का बाहुल्य है, ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। राजस्थान की किस जनजाति में मोर बंदिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? मीणा, सहरिया, भील या फिर गरासिया जनजाति? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई मुझे, तो ज़रूर जल्दी से बताएं, राजस्थान की किस जनजाति में मोर बंदिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो आपको जल्दी से आंसर देना है, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा, और मीणा है जो यहाँ पर सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीणा के बाद किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहाँ पर है जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान में मीणा के बाद कौन सी जनजाति जो है अधिक है, वो है डी, भील है जो सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखर बाव जी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? भील, मीणा, गरासिया या कथोड़ी? तो यहाँ पर है जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन है जो सही है, गरासिया है जो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान? राजस्थान में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है, ये है जो आपको याद रखना है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है, और पूर्वी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, गरासिया या फिर सहरिया? तो करेक्ट आंसर देवे, लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से जवाब देवे, और आपका यहाँ पर जो जवाब है वो है बी ऑप्शन, मीणा जनजाति। चलिए दोस्तों ये है जो आज की क्विज है, तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जो आप लिंक को ज्वाइन करें वहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ मिलती रहेगी, फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। और दोस्तों आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज़ आप लाइव आ सको, आप भी एक प्रश्नोत्तरी में शामिल हो सको। चलिए दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।